वेलकम टू माई चैनल वंस अगैन। सो आज हम करेंगे टॉपिक कवर जो कि है बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस एंड जॉगिंग। गाइस ये मेरी टैगलाइन है, स्टे फिट स्टे नेचुरल। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आज मैं आपसे वही शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको तरीका ही बताऊँगा। इफ़ यू रियली वांट कि आपको तरीका जानना है हाउ टू स्टार्ट जॉगिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट इफ आई गेट लॉट ऑफ कॉमेंट्स ऑन दैट, राइट। सो गाइज जब आप जॉगिंग स्टार्ट करेंगे, गाइज अपनी बात करता हूँ, 1 से 1.5 साल में मुझे फीवर होता है एक बारी, तो आपको बहुत कम आप बीमार पड़ोगे, बहुत कम आप सिक होगे, लाइफ स्टाइल बहुत ही आपका अच्छा रहेगा अगर आप रनिंग करते हो तो। 1.5 से 2 साल के अंदर बीमार पड़ता हूँ, 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, और हल्का कफ एंड एवरीथिंग अगर होता भी है, गो फॉर द रनिंग एंड वो बॉडी वार्म होती है तो सब बाहर आ जाता है, आई फील गुड, खुद ठीक हो जाता हूँ, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो भी आपके साथ होगा, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉगिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, करते रहोगे कुछ टाइम तक, बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बॉडी आपकी बहुत अच्छा फील करेगी, और बॉडी विल ब्रीथ, कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रेजुएशन में, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ इन योर लेग्स। गाइज अगर आप जॉगिंग करोगे, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, 15 से 1 महीने के अंदर आपके काफ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी मसल्स टॉर्न होंगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि आपकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, बिकॉज राइट नाउ यू आर पुटिंग स्ट्रेस इन योर मसल्स एंड दे आर डेवलपिंग, क्योंकि अभी तक आप इन चीज़ों में नहीं थे जब आप आए हो, सो राइट नाउ यू आर पुटिंग मोर स्ट्रेस इन दैट। एंड गाइज बिलीव यू मी, दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लेग्स। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी लीन शेप ऑफ योर लेग्स, आप जॉगिंग कर सकते हैं, बहुत ही लीन शेप अगर आपकी है, अगर आप हैवी हैं, अगर आप करते हैं, आपके लेग्स में बिल्कुल भी फैट नहीं रहेगा, राइट। अगर आप जॉगिंग करते हैं, गाइस आई वुड लाइक टू टॉक हियर अबाउट पीपल हु गो इन जिम एंड हु पुट लॉट ऑफ वेट इन स्क्वाट्स एंड दे से कि भाई तू मार पाएगा, इतना वेट मार पाएगा, मैंने इतना मारा। गाइस एक्स्ट्रा 10 kg टू योर लिमिट कैन पुट योर लाइफ इन डेंजर, यू कैन एंड अप बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। आप चाहते हैं वो, एक बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए आप जिंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। सो डोंट डू ईगो लिफ्टिंग, डोंट बी सुपीरियर, डोंट ट्राई टू शो पीपल दैट यू आर सुपीरियर। जॉगिंग कीजिएगा, लेग्स में इतनी जान आएगी, आराम से वर्कआउट कीजिए, आपकी बॉडी आराम से उसका वेट उठा लेगी, राइट। एंड आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर जॉगिंग इन ग्रास, रोड रनिंग इज नॉट बेनिफिशियल। ग्रास में कम फ्रिक्शन होता है, जोर आपके जॉइंट्स पे कम आएगा, तो ग्रास पे जॉगिंग कीजिएगा। गाइस रोड रनिंग मत कीजिएगा, मेट्रो सिटीज़ में खास करके बहुत एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं खुद अपनी आंखों के सामने, लोगों को गाड़ी उड़ा के चले जाती है। सो या तो सोसाइटी के अंदर आप जॉगिंग कीजिएगा या किसी पार्क में कीजिएगा, घास पे कीजिएगा, राइट। गाइस आपकी बॉडी शेप में रहेगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टच हियर इज, गाइस गर्ल्स के अंदर मैंने देखा है बहुत गर्ल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, उनके लेग्स में, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा फैट डेवलप हो जाता है, उनके ना बैक साइड में बहुत डेवलप होता है फैट, ठीक है, और उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा फैट डेवलप होता है एंड दे आर एक्चुअली इन प्रॉब्लम, राइट। उनकी अपर पार्ट में भी काफ़ी फैट डेवलप होता है। गाइज इफ़ यू विल गो फॉर जॉगिंग, बिलीव यू मी गाइज, आप जॉगिंग करोगे आपका लेग्स में फैट जमा नहीं होगा, आपके
स्टमक के बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे भी फैट जमा नहीं होगा अगर आप अच्छे से जॉगिंग करते हो तो, राइट। यू वुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप अच्छे से जॉगिंग करते हो फॉर अबाउट 15 to 30 minutes, राइट। गाइज, दिस इज फॉर एक्टोमॉर्फ, दिस फिफ्थ पॉइंट, दिस इज एक्टोमॉर्फ। दीज पीपल आर वेरी स्किनी, इनको वेट गेन जल्दी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हो, देन थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है एंड यू डोंट गेन वेट। जाहिर सी बात है, अगर आप जॉगिंग करोगे, योर होल बॉडी विल ब्रीथ। पुशअप करो, पुलअप्स करो, स्ट्रेचिंग करो, राइट। ये सब करोगे, ट्राई टू गो फॉर 1 आर्म पुशअप्स, ये सब आप करोगे, यू विल फील मोर हंग्री, योर होल बॉडी विल ब्रीथ, पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। जॉगिंग के बाद आधे घंटे जस्ट डोंट ईट एनीथिंग, आई विल से 1 घंटे तक कुछ मत खाओ, आधे घंटे तक आप घर में रहो, आधे घंटे बाद नहाने जाओ, ठीक है, नॉर्मल वाटर से नहाओ, एंड देन 1 घंटे बाद यू कैन हैव समथिंग, राइट। इफ यू आर इन फैट लॉस, डोंट टेक स्वीट आइटम्स जॉगिंग के 1 घंटे बाद। नॉर्मल खाना खा सकते हो, आपका वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है स्वीट्स आपका प्रोसेस को डिले कर देगा। यू विल बी मोर एक्टिव गाइज, जाहिर सी बात है, जॉगिंग करोगे बॉडी में स्ट्रेस लेने की पावर आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है बॉडी को, राइट। यू विल फील गुड, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, अच्छी डाइट ले रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, एग्स, मिल्क ले रहे हो, प्रेफर करो डेयरी का मिल जाएगा, नहीं मिलता तो यू हैव टू गो फॉर पैकेट, राइट। अच्छी डाइट लोगे तो यू विल बी एक्टिव एज वेल, आपको डिजीजेस नहीं होंगी लॉन्ग टर्म में, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। गाइस, ये नॉर्मल देखा गया है, जो पीपल वर्कआउट करते हैं, जो पीपल जॉगिंग करते हैं और जो पीपल वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल वेट उठाते हैं, ईगो लिफ्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल वेट उठाते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, बिकॉज दे आर बर्निंग फैट, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट आई विल टच हियर इज, आपका मेटाबॉलिज्म गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा, राइट। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। यू डू नॉट हैव टू स्टॉप जॉगिंग गाइस, पीपल हु से दैट यू हैव टू लीव योर कार्डियो, दे आर फॉल्सिफाइंग यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जॉगिंग करनी है, यू हैव टू डू कार्डियो, आपको अपनी डाइट के साथ प्ले करना है, राइट। क्योंकि अगर आपने अपना कार्डियो छोड़ दिया तो आपका टमी बाहर आ जाएगा, और अगर आप कार्डियो करते रहोगे, डाइट बढ़ा दोगे, तो शेप में रहेगा, हल्का फुल्का ही फैट बढ़ेगा, पूरी बॉडी में वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गाइस एज वेल एज गर्ल्स, दिस 9th पॉइंट, यू विल लुक यंगर गाइस। गाइस, यू मस्ट हैव सीन पीपल जो कि 30+ की एज में आ जाते हैं, उनके फेस में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, हाथों पर फैट, स्टमक पर फैट, पूरी बॉडी में फैट फैट नज़र आता है, फेस पे काफ़ी नज़र आता है, राइट। और कुछ टाइम बाद वो फैट डिग्रेड हो जाता है और आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। गाइस, इफ़ यू स्टार्ट जॉगिंग फ्रॉम योर टीन एज, एडोलसेंट एज, इफ यू आर डूइंग दिस गाइस, 28-30 भी अगर आ जाओगे, इफ दिस इज योर हॉबी, इफ यू आर डूइंग इट, इफ यू आर जॉगिंग गाइज, आपकी एज बहुत ज़्यादा कम लगेगी। आई फील समटाइम्स वेरी फ्लैबरजस्टेड दैट व्हेन आई गो आउट एंड आई सी पीपल, जब मैं दाढ़ी काट लेता हूँ, दाढ़ी तो उसने रखी हुई है कि एज ज़्यादा लगे, जब काट लेता हूँ तो पीपल से 22 20, आई फील गुड एज वेल, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट आई फील 20-22 साल इज अ लॉट यंगर गाय, आपकी एज बहुत ज़्यादा कम लगेगी, क्योंकि यू आर वर्क्ड ऑन योर सेल्फ एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच यू आर फॉलोइंग, राइट। दिस इज द 10th पॉइंट इज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स गाइज, अगर आप जॉगिंग करते हो तो आपको पता होगा, जब जॉगिंग करते हो आपकी बॉडी में से शुगर लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि योर बॉडी एक्सक्रीट, राइट, स्वेट आएगा आपको, आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी,
चीटी गाइस, आई वुड आस्क यू टू और रिक्वेस्ट यू हियर टू लीव शुगर, रिप्लेस इट विद हनी इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू. हनी प्लेज अ वेरी इंपरेटिव रोल इन रिड्यूसिंग योर फैट एज वेल, एंड इट हैज़ गॉट गुड वाइटमिन्स एंड मिनरल्स दैट कैन कीप योर बॉडी हेल्दी. शुगर is the worst product which is in the market available right now for people who are into fitness, everybody. So आप उसको आप हनी से कर दीजिए रिप्लेस. जहाँ जहाँ शुगर डालते हो वहाँ वहाँ एक बार आप हनी डाल के देखिए, यू विल इन्जॉय योर डाइट. सो दीज आर थिंग्स विच यू विल एक्चुअली गेट बेनिफिट ऑफ इफ यू स्टार्ट जॉगिंग. गाइस मैंने क्या बेनिफिट्स मुझे क्या फील हुए, जॉइंट पेन तो मेरे होता ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल वेट पिक उठाता हूँ मैं, राइट. एंड गाइस हुआ क्या था कि मैंने जुलाई अगस्त सितंबर मैंने ऑलमंड्स का कोर्स किया था, बिकॉज के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं. मुझे नहीं पता था उसमें चिया सीड फ्लैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं. मैंने इनको लिया, आई टुक 5 से स्टार्ट किया, 10 से 15 मैंने ऑलमंड्स खाया. बट आई मेड श्योर कि मैं 3 से 4 लीटर पानी पी रहा हूँ रोज का. आई डिड दैट. गाइस मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था बचपन में, पता नहीं पापा मेरे कौन कौन सी पुड़ियाँ मुझे खिलाई हैं, बट उससे मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा होता था. सर्दी में मैं बहुत बीमार पड़ता था. तो जब मैंने ये लिया, 4 से पहले की बात है, मैं जब ये लिया तो गाइस बिलीव यू मी विंटर्स आई, मुझे ठंडी ना लगे. आई रियली फेल्ट कोल्ड. आई मीन नॉर्मल क्लोथिंग तो सब पहनते हैं, बट मुझे कोल्ड नहीं हुआ. मुझे कफ बहुत ज़्यादा आता था, मुझे नहीं हुआ. सो आई फेल्ट गुड एंड आई थॉट टू स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल. सो पीपल जो मेरे सराउंडिंग्स में रहते हैं, दे सी मी, दे गो जिम, आई फील गुड. एंड दिस हैपन्स एवरीवेयर इन माई ऑफिस. माई ब्रदर एज वेल गो टू वर्कआउट, ही गो फॉर जॉगिंग, आई फील गुड. गाइज इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क आउट, टोटली फाइन, यू कैन गो जॉग इन द पार्क. यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिटनेस. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड में इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. इतना केमिकल हम ले रहे हैं जो भी हम प्रोडक्ट्स खाते हैं. गाइस एक बार अगर आप चेक करोगे जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, सबके अंदर बहुत ज़्यादा इमल्सीफायर्स होते हैं, बहुत केमिकल्स होते हैं. सो टू लिव अ हेल्दी लाइफ यू हैव टू स्टार्ट जॉगिंग गाइस. सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Thank you.